तीन साल में कोरोना से भले ही अर्थव्यवस्था डगमगा गई हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल की संपत्तियों में कमी नहीं आई है। लोकसभा चुनाव 2019 में दिए गए दोनों सांसदों के हलफनामे के मुताबिक अखिलेश की संपत्तियां तीन साल में करीब 2.25 करोड़ रुपए बढ़ी हैं, जबकि एसपी सिंह बघेल की संपत्तियों में करीब 1.25 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट आगरा मंडल की हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के सामने भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित आगरा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से 2019 में एसपी सिंह सांसद बने। विधानसभा चुनाव से हुए पहले मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में उन्हें विधि और न्याय राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। आजमगढ़ से 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन के वक्त दाखिल शपथ पत्र के मुताबिक अखिलेश यादव के पास कुल 37.78 करोड़ रुपए के करीब संपत्ति थी, जिसमें 7.90 करोड़ रुपए की चल और 16 करोड़ के लगभग की अचल संपत्ति थी। इस तरह अखिलेश के पास कुल 24.80 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी, जबकि उनकी पत्नी डिंपल के पास 2019 में 3.68 करोड़ के करीब की चल और 9.30 करोड़ के करीब की अचल संपत्ति थी, जिस हिसाब से उनकी करीब 12.98 करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं। सोमवार को करहल सीट पर नामांकन के साथ दाखिल हलफनामे में अखिलेश ने खुद पर 25.62 करोड़ रुपए की संपत्तियां दर्शाई हैं, जिसमें करीब 8.5 करोड़ रुपए की चल और करीब 17 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास अब करीब 4.76 करोड़ रुपए की चल और करीब 10 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके साथ ही उनके पास करीब 14.5 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अखिलेश और उनकी पत्नी पर कुल मिलाकर करीब 40 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं, जो 2019 की तुलना में 2022 में करीब 2.25 करोड़ रुपए बढ़ गई हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने 2019 में आगरा लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रस्तुत हलफनामे में खुद और पत्नी पर कुल चल और अचल संपत्ति 7.42 करोड़ रुपए की अंकित की थी, जिसमें खुद पर चल संपत्ति 50 लाख रुपए और पत्नी पर करीब 24.90 लाख रुपए की संपत्ति थी, जबकि खुद पर अचल संपत्ति 2.25 करोड़ रुपए और पत्नी पर करीब 4.40 करोड़ रुपए की संपत्तियां थी। सोमवार को प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने अपने हलफनामे में कुल 8.55 करोड़ रुपए की कुल संपत्तियां घोषित की हैं, जिनमें खुद पर करीब 45 लाख रुपए की चल और 1.85 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं। वहीं उनकी पत्नी पर करीब 25 लाख रुपए की चल और 59 लाख रुपए की अचल संपत्तियां हैं। 2019 की तुलना में अब करीब 1.25 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां बढ़ गई हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव के शपथ पत्र के अनुसार प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज थे। कई मुकदमों में गंभीर धाराएं हैं। 2022 में नामांकन पत्र में 3 मुकदमे दर्शाए गए हैं। 3 साल में एसपी सिंह के 2 मुकदमे कम हुए हैं, जबकि 2019 में अखिलेश के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं था, लेकिन 2022 के शपथ पत्र में उन पर 1 मुकदमे का जिक्र है।